बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिस इज़ हमारी राइनो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहीम। वुम, क्या रोअर रही है भाई। क्या बात है भाई, मतलब गाइस, मतलब मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं यार, मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। आई एम स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। हाय हाय हाय, ओ भाई, हाय 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 हाय। मतलब मेरी जो स्माइल है ना, मेरे कान तक को छू रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ रही है यार। होय 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 होय, ओ भाई। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ मेरी खुशी आपको बता ही रही होगी मैं कितना ज़्यादा बढ़िया हूँ। सो भाई होप करता हूँ आपको ये भाई देखकर मज़ा आ गया होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई बड़ी मेहनत और शिद्दत से इसको मैंने अपने पास लेके आया हूँ। मतलब मैंने दोबारा परचेज करी है, ये मेरे से दूर हो गई थी 2018 एंड में, मतलब 19 की स्टार्टिंग और एंड समझ सकते हैं, मतलब सेम यही टाइम था, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर का आई गेस टाइम था। और ये मेरे से जुदा हो गई थी और इसी टाइम में मेरे पास ये दोबारा आ गई है। तो भाई थैंक यू सो मच, आप सभी भाइयों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, ऐसी सपोर्ट और प्यार देते रहो। क्योंकि मैं जो हूँ ना भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी वजह से अपने पास आज आ गई है राइनो। इस बाइक का जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता है कि इस बाइक का नाम मैंने राइनो दिया था जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे गाइस, 5000 समझ रहे हो। तो उस टाइम पे मेरे पास ये बाइक हुआ करती थी, बट वो चली गई थी, तो कोई बात नहीं। बट दोबारा देखो, मेहनत करी है मैंने, दिन रात मेहनत करी है, अभी भी करता हूँ और करूँगा आगे भी इंशाल्लाह। तो ये लगा लो, मैंने इसको दोबारा अपने पास ले लिया, ठीक है ना, अर्न कर लिया। तो अभी जो है मैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। जब मैंने ये बाइक ली थी कल रात को 10:30 बज गए थे, हाँ। तो उसके बाद मैंने अभी ये चला रहा हूँ, उस टाइम रात को मैं लेके मैंने भी चलाई, जिसकी बाइक थी उनने कहा भाई मैं घर तक छोड़ूंगा, मैंने बोला सही है चला ले यार। तो उस बंदे ने घर तक चलाई मेरे और फिर गाड़ी मैंने पार्क कर दी। देन अभी मैं लेके निकला हूँ, अभी गंदी गुंदी हो रही है, इसमें काफ़ी सारा काम डिटेलिंग वगैरह होना है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, कराते रहेंगे जब अपने पास चीज़ आ गई है। तो बाकी इसमें हैज़ार्ड लगा हुआ है, हैज़ार्ड का यहाँ से बटन है ये, अबे ऑफ, ये बहुत कंजेस्टेड जगह पे लगाया भाई ने। तो सीन ये है कि इसमें हैज़ार्ड लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, विंड स्क्रीन लगी हुई है, हैंडल राइजर लगे हुए हैं, ओ माय गॉड। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर लगा हुआ है आगे क्रैश गार्ड, पीछे सैडल स्टे, बट पीछे सैडल स्टे इसमें नहीं लगा हुआ, अभी वो उतरा हुआ है, मतलब वो मिल जाएगा मेरे को। आज भाई की दुकान पे जाएंगे और वहाँ से उठा के लेके आएंगे। और रुक जा भाई, राइनो आ रही है अपनी, राइनो। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो जितने इतने भाइयों को बाइक पसंद आई है वो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ठोक दें, और जिनको ना पसंद आए वो रीज़न ज़रूर देना कि क्यों पसंद नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि मेरे को ना अपग्रेड करना था पल्सर 220 से, तो जी हाँ दोस्तों, पल्सर 220 से अपग्रेड करके हम आए हैं, पल्सर छोड़ कर हम आए हैं बजाज डोमिनार 400 cc। वाओ यार। तो गाइज देख लो, तुम्हारा भाई 220 से 400 रुपये आ गया है। अब देखो भाई आने वाले टाइम में 400 से कहाँ जाते हैं, बाकी बस यार होप फॉर दी बेस्ट। बाकी भाई ये ना इसका रिस्पांस जो है ना वो ऐसे उड़ता है भाई, मेरे को, मैंने चलाई है, रखी है पहले, लेकिन सीन क्या है अभी, क्या आदत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि भाई अपने पास स्प्लेंडर है और अपने पास इम्पल्स है माशाल्लाह से, मतलब दो स्प्लेंडर है, एक इम्पल्स है, एक हंक है, तो और एक 220 हुआ करती थी। तो क्या था कि इतनी पावर वाली गाड़ी कोई नहीं थी, बट अब ये पावर आ गई है तो धीरे धीरे हम यूज टू भी हो जाएंगे, है ना भाई। तो चलो गाइस, आप थोड़ा सा म्यूजिक इंजॉय करो और मैं थोड़ा सा रोड को और बाइक को इंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो भाई ये अपनी राइनो, जैसे कि आप सामने से लुक चेकआउट कर रहे हो, साइड से सामने से दिखाता हूँ आपको,
तो कुछ भाई सामने से ऐसी अग्रेसिव लुक है यार, देखो ये देखो लाइटें, ओ भाई के आंखें नहीं मिलाई जा रही दिन में भी, इतनी तेज लाइट है। ठीक है, टायर इसमें लगा हुआ है MRF का, MRF है ना, हाँ MRF का लगा हुआ टायर। देखो टायर कम से कम 70% आएगा। ABS है ड्यूअल चैनल, मतलब IBBS PCB ABS, वैसे नॉर्मली सिंगल ABS होता है और जो डोमिनो आती है उसमें नॉन ABS और ABS आता है। ठीक है, पीछे भी टायर लगा हुआ है रोड पायलट, देख सकते हैं कितना बढ़िया मिशलिन कंपनी का। और साइड से लुक चेकआउट करो यार, ये हमारी डोमिनार है, हमारी, और डोमिनार नहीं, इसका नाम है राइनो। ठीक है गाइस, ब्लैक पैंथर की जगह आई है हमारी राइनो, मतलब वो जो शेर था ना काला शेर, वो हटाकर हमने लिया है गैंडा। देख रहे हो गैंडा फुल सींग विंग मार देगा, ये खतरनाक है भाई अलग ही। इसका साउंड सुनो, साउंड देख रहे हो कितना अग्रेसिव है। ओए होए होए, तो भाई ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये अपने लिए है। बाकी इसको बंद कर देता हूँ मैं एक बारी, ये बंद हो गई यहाँ पे, इसका इग्निशन बंद करते हैं। इसमें हैजार्ड लगा हुआ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसके अंदर मुझे मिल जाता है एक विंडस्क्रीन, एक हैंडल राइजर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये यहाँ पे जाना का लगा हुआ है। यहाँ पर हमको मिलता है एक सैडल स्टे, बट वो अभी निकाला हुआ है, वो लग जाएगा। ठीक है, वो मेरे ऊपर है, जब मैं टूर पे जाऊँगा तब मैं उसको लगाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पीछे से लुक जो आ रहा है ना, 150 नंबर का इसमें टायर मिल जाता है हमारे को। ठीक है, देख सकते कितना ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे लगाना नहीं है सैडल स्टे को, बाकी जब टूर पे जाएंगे तब लगाएंगे। बाकी इसके अंदर जो है दो रियर व्यू मिरर लगेंगे, और बाकी ये विंडशील्ड जो है वैसे तो लगी भी ठीक लग रही है, बट मैं ना ये देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे एक क्रैक है जो जोड़ा गया दोबारा, तो क्या सीन है कि इसको मैं रिप्लेस करूँगा और दूसरी लगाऊँगा, देखते हैं। और यहाँ पे एक लगेगी बीक, बीक आप समझ रहे हो ना, फुल चोंच वाली, और बाकी हैंड गार्ड वगैरह। सो वो तो अपग्रेड होता रहेगा, मतलब अपग्रेड जो है वो चलता रहेगा डे बाई डे, और जैसा भी होगा आपको वीडियो थ्रू पता चलता रहेगा। सो भाई खुशी का लेवल जो है बहुत हाई है, और बाकी खुशी से याद आया, खुशी खड़ी है घर पे कवर के अंदर, गंदी हो रही है फुल ऑन, और ये है अपनी राइनो। और बाकी कैसी लगी आपको ये बाइक और ये वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और खुश हो गए नहीं ये बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी भैया खड़े से पूछते हैं, भैया बाइक कैसी लग रही है, एक नंबर जहर लग रही है ना बाइक। तो भाई देखो, भाई दो ऑडियंस ने ही बता दिया हमारे को, भाइयों ने, कि बाइक बढ़िया लग रही है, बजाज डोमिनार 400, इसका नाम हमने दिया है राइनो। और होप करता हूँ आपको मज़ा आ गया हो देखकर इसकी चाल ढाल, और अब जो लुक जो है चारों तरफ से आप देख लो। एक मैं वॉक अराउंड दे देता हूँ, देखो कुछ ऐसी दिखती है अपनी राइनो। ठीक है जी, आगे पीछे देख लो, एक नंबर की जहाज है यार ये गाड़ी, और 400 सीसी के अंदर इससे ज़्यादा धमाका और कॉम्पैक्ट बाइक नहीं मिलेगी। ये देखो लुक चेकआउट कर रहे हो, क्या अग्रेसिव लुक है यार इसका आगे का। तो गाइस फटाफट से यहाँ से हम निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे, इग्निशन ऑन करते ही मीटर ऑन, क्या बात है, हैजार्ड ऑन, किल स्विच डाउन, और ये श्यूंग, क्या बात है। तो अभी इसकी गाड़ी का जो टाइम है वो थोड़ा आउट हो रखा है, वो हटवाना है मेरे को, मतलब सेट करना है। यहाँ पे जो है सर्विस रिमाइंडर की, देखो सर्विस की जो होती है चाबी, वो बनी आ गई है। बाइक चली है 23,993 किलोमीटर। ठीक है जी, एवरेज होती है इसकी 15-20-25, जैसा आप चलाओ उसके हिसाब से। हाँ जी, कार के बराबर चलती है, मज़ा कार के बराबर देती है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, पार्क की साइड आया था मैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, होए होए होए, ओ भाई साहब। तो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना। बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन आपका ही है, बताना ज़रूर कि हाँ मैं बाइक कैसी लगी। और तुम्हारा भाई इस बाइक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लाने वाला है तरह तरह की, और खुशी का तो ठिकाना नहीं है, खुशी एक अपने पास दिल में हो रही है और एक खुशी गली में खड़ी है अपनी कवर में ढक के, तो भाई दोनों का ही ठिकाना नहीं है। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों से ये हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था बाइक के चक्कर में, तो मैं सबको रिप्लाई ढंग से नहीं कर पा रहा था, मतलब जब भी टाइम मिला था मैं आ रहा था, एक्टिव हो रहा था, बट जितने भी मैसेज आ रहे थे ऊपर वाले उन सबको मैं रिप्लाई कर दे रहा था, बाकी नीचे के दबे हुए जो मैसेज हैं उन पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तुम खुद समझ सकते हो यार एक बंदा क्या क्या काम करेगा, है ना, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बट अब जो है अपने पास बाइक आ चुकी है, सो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप जल्दी से रिलैक्स होकर
सारे भाइयों के जितने भी DMs आ रखे हैं सबको रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। और बाकी होप करता हूँ कि आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करोगे, DM करोगे, भाई बाइक अच्छी लगी है, कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। तो भाई बस यही होप करूँगा आप लोगों से, और इसी नोट पे वीडियो को एंड करूँगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है कि DC भाई ने ले लिए डोमिनार, ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हूँ। ओ भाई हॉर्न देख रहे हो, हॉर्न क्या भाई साहब, दो हॉर्न लगे हुए, बढ़िया बढ़िया। बस में मैं सोच रहा हूँ कि साइड मिरर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, देखते हैं साइड मिरर लगाते हैं कि नहीं लगाते। और बाकी विंडशील्ड तो मैं बहुत जल्दी चेंज कराऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। वैसे देखो तो अच्छी भी लग रही है, बट जब ढंग से देखो ना तो हल्की सी ना यहाँ से ना इसका बैलेंस आउट है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैलेंस दिख रहे हो, ये थोड़ी सी ना पचकुइयाँ रोड हो रही है। तो इसलिए इसको मैं चेंज करूँगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। भाई साहब मेहनत करोगे तो ऐसी चीज़ें आपके पास भी आएंगी, ठीक है जी, चलो बाय बाय। Woohoo!